एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम चीज़ों को प्लान और ऑर्गेनाइज करते हैं। गुड टाइम मैनेजमेंट आपको स्मार्ट बनाता है एंड यस, बाय मैनेजिंग टाइम यू कैन गेट फ्री टाइम फॉर योरसेल्फ। हम सबके पास 24 आवर्स होते हैं, तो कैसे? कुछ लोगों के लिए ये बहुत होते हैं और कुछ के लिए कम पड़ जाते हैं, जिससे वो अपने ज़रूरी काम भी पूरे नहीं कर पाते। तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टाइम मैनेजमेंट एंड स्मार्टनेस। जिसको टाइम मैनेज करना आ गया वो स्मार्ट है। सबसे पहले अपने डेली चोर्स की एक लिस्ट बनाएं और उसके आगे टाइम सेटल करें कि आप किस काम को कितना टाइम देना चाहते हैं, और देखें कि आपकी लिस्ट में फिटनेस कौन से नंबर पे आती है। मेरी लिस्ट की बात करें तो फिटनेस टॉप पे आती है। सो टेक योर हाउस वर्क एज योर सैलरीड जॉब। तो कई बार हम कहते हैं कि इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आए इतना सारा काम करने की। तो जस्ट थिंक, हमारे हस्बैंड्स, वर्किंग वुमेन या फिर हमारे बच्चे, सभी डेली अपने अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं और 3 से 4 घंटे काम करने के बाद उन्हें एक ब्रेक मिलता है। तो हम भी ये सोच सकते हैं कि ये हमारे वर्क प्लेस है जहाँ हमें शायद थोड़ा सा उनसे ज़्यादा 5 to 6 आवर्स काम करना पड़ेगा, जिसमें हमारी फिटनेस रूटीन भी आती है। तो उसके बाद हम एक लॉन्ग ब्रेक लेंगे और एक ब्रेक के बाद फिर से हम काम पर लग जाएंगे। तो चलिए फिर, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी रूटीन, जिसमें कि मेरा वर्कआउट प्लस मेरे हाउस वर्क्स मैं कैसे मैनेज करती हूँ सब आता है। नोबडी इज़ परफेक्ट, आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट। तो सिचुएशन के हिसाब से शेड्यूल काम करने के चेंज होते रहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्प तो करेगी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प करे तो प्लीज़ हिट ऑन लाइक बटन, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ ही एक बेल बटन भी है उसे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। कुछ लोग वीकली मील प्लान करते हैं, मैंने भी ट्राई किया था बट वो प्रैक्टिकल नहीं था। सो वीकली तो नहीं, बट कल पूरा दिन क्या बनेगा वो मैं एक रात पहले ही सोच लेती हूँ। अगर आप लिस्टिंग कर सकें तो और भी अच्छा। तो यहाँ मैं भिंडी की सब्जी काट रही हूँ सुबह टिफिन के लिए, और जो बचेगी वो ब्रेकफास्ट के काम भी आ जाती है। कट कर ली थी, लेकिन बेटे ने आके कहा कि वो सुबह टिफिन में दही सैंडविच लेके जाना चाहता है, तो फिर मेरे हस्बैंड वेजेस कट कर रहे हैं। और यहाँ दही को मैंने छन्नी में डाल के रख दिया है, नीचे बर्तन रख दिया ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए, और ऐसे ही मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। और ये वेजेस हैं जो हस्बैंड ने कट की हैं, कैप्सिकम है ये सारी, येलो, ग्रीन एंड रेड। यहाँ वहाँ टिफ़िन ढूंढने से अच्छा है कि आप उनको वॉश करके किसी एक ही जगह पर रख दें ताकि वो अच्छे से सुबह ड्राई हो जाएं और आपको यूज़ करने में आसानी रहे। लंच के लिए राजमा मैंने भिगो दिए हैं और दही जमा दिया है। और जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं रात को ही किचन क्लीन करके सोती हूँ, तो सुबह जब आप उठते हो तो आपकी आँखों को बहुत रिलैक्स मिलता है। मॉर्निंग मेरी हो जाती है 5:00, और 5:20 से पहले पहले मैं आ जाती हूँ अपने योगा मैट पे। हमेशा योग मैं बाहर ही करती हूँ, लेकिन आज क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी और अभी सनराइज़ नहीं हुआ है, तो इसीलिए आज मैं अंदर कर रही हूँ। जब मैं इंटेंस वर्कआउट करती हूँ तो योग और प्राणायाम क्यों? क्योंकि फिटनेस दो तरह की होती है, फिजिकल और मेंटल। और प्राणायाम आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे काम करता है, ये आपको मेंटल स्ट्रेंथ देता है। 40 to 45 मिनट्स का ये रूटीन मुझे जो एनर्जी देता है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप डीप ब्रीथ करते हैं, और जितनी ऑक्सीजन आप पूरे दिन में कंज्यूम नहीं करते उतने 45 मिनट्स के इस सेशन में कंज्यूम कर लेते हैं। प्राणायाम आपकी बॉडी की हर नर्व के एंड तक ऑक्सीजन पहुँचाता है और आपकी बॉडी ऊर्जा से भर जाती है।
करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी, आपका माइंड कितना रिलैक्स्ड फील करता है। एट लास्ट फॉर एट लीस्ट 10 to 15 मिनट्स यू शुड डू मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी स्टेज है जिसमें हमारी बॉडी और माइंड दोनों कुछ नहीं कर रहे होते। आपके ब्रेन में किसी तरह की कोई थॉट नहीं चलनी चाहिए। ये प्रोसेस ऐसा है, जब आप स्टार्ट करते हैं तो प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, थॉट्स बार बार वापस आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं आप मेंटली बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। मेडिटेशन आप बैठ के भी कर सकते हैं या फिर शवासन में लेट के भी। अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें और कंसंट्रेट करें अपनी सांस पे। योग करने से पहले मैं अपना लेमन वाटर ले चुकी हूँ। अब किचन में आने में सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ वो करती हूँ डिशेज जो पहले रात को धो के रखी थी उनको अपनी जगह पर सेटल कर देती हूँ। टाइम हो गया है 6:10, जो हमारी हॉल की घड़ी है वो 10 मिनट्स आगे रखी हुई है हमने, तो इस घड़ी पे टाइम आप देख सकते हैं 6:20। तो अब मुझे रेडी करने हैं टिफिन, तो उसके लिए पहले मैंने सारा सामान जो है फ्रिज से निकाल लिया है और एक बास्केट जो आप देख रहे हैं इसमें मेरा सारा प्रेपरेशन रहता है, जैसे कि मैंने पील करके रखे होते हैं अनियंस, गार्लिक और टमेटोज़ और चिलीज़ भी इसी में रखे होते हैं। तो एक साइड पर बना रही हूँ मैं भिंडी की सब्ज़ी, दूसरी साइड पर पापा के लिए चाय बन रही है। कोई भी एक मॉर्निंग में थोड़ी सी बना ही लेती हूँ। सैंडविचेस वगैरह पापा पसंद नहीं करते हैं, मम्मा हमारे मॉडर्न हैं वो सब खा लेते हैं। ऐसा नहीं कि पापा को दूंगी तो वो खाएंगे नहीं, खा वो भी लेंगे लेकिन ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। अगर आप सुबह लेट उठते हो तो आपका काम पेंडिंग होता चला जाता है और इरिटेशन बढ़ती चली जाती है, लेकिन अगर आप टाइमली उठते हो तो बॉडी में एनर्जी भी होती है और सुस्ती भी दूर भाग चुकी होती है। जैसे कि मुझे अब उठे हुए 1.5 घंटा होने वाला है तो मैं फास्टली काम कर सकती हूँ और साथ साथ मैं किचन भी क्लीन करती जा रही हूँ। जितने बर्तन मैंने यूज़ किए हैं उनको साथ साथ वॉश कर दूँगी। सकते हैं आप, सब्जी भी रेडी है, चाय भी तैयार है और दोनों बच्चों के टिफ़िन्स भी मैंने रेडी कर दिए हैं। और ब्रेकफास्ट में मोस्टली स्मूदी ही पीते हैं तो स्मूदी भी मैंने रेडी कर दी है। और अपना टाइम देख सकते हैं हॉल की घड़ी पे, टाइम हो गया है 7 और मेरी मोबाइल पे टाइम है 6:52। लॉन्ड्री में डेली नहीं करती हूँ, ऑल्टरनेट डेज़ पे ही करती हूँ, तो आज की रूटीन में लॉन्ड्री भी शामिल है। एक्टिविटी करना मेरा पैशन है, जब तक अच्छे से पसीना नहीं निकल जाता मुझे मज़ा नहीं आता। लाइफ में आप कितना भी बड़ा गोल सेट कर लें, उसे अचीव भी कर लें, बट इन्जॉय नहीं कर सकते अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो। कुछ लोग कहते हैं कि एनर्जी नहीं होती, काम करने से उतनी एनर्जी डिप्लीट नहीं होती जितनी स्ट्रेस लेने से होती है। प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है, प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालने पड़ते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद एकदम से शावर तो नहीं लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे क्लीनिंग भी करनी है, तो जस्ट टी शर्ट चेंज कर लेती हूँ और अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। जब तक मेरा वर्कआउट डन हुआ तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए और अब बस अपने को सूखने डाल दूंगी। वैसे ये वाला काम जो है वो ज़्यादातर मम्मा ही करते हैं, पर आजकल उनकी एब्सेंस में मुझे करना पड़ रहा है।
बस तकरीबन यही टाइम होता है डेली हमारा ब्रेकफास्ट करने का। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ बाकी सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो सैंडविचेस बन रहे हैं मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, और पापा के लिए बना रही हूँ मैं चपातियाँ। और ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट, दो सैंडविचेस, कुछ आलमंड्स और एक बॉयल्ड एग, 1 कप ऑफ मिल्क। ब्रेकफास्ट के बाद अब पहले डिशेस क्लीन करूंगी और किचन क्लीन करूंगी, उसके बाद हाउस क्लीनिंग का काम शुरू करूंगी। बनाना, ब्रेकफास्ट करना और किचन क्लीन करने मुझे टाइम लग जाता है पूरा 1 घंटा। तो अभी आप टाइम देख सकते हो गया 9:30 और उधर हॉल की घड़ी पे आपको टाइम दिखेगा 9:40। डेली मेरी हाउस क्लीनिंग की रूटीन क्या है वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, मेरे चैनल पे उससे रिलेटेड एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, और इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पे भी वो वीडियो आपको शो हो जाएगी, आप देख सकते हैं। आप सबके सजेशंस थे कि मुझे वॉशरूम सबसे लास्ट में क्लीन करना चाहिए, तो मैंने बड़ी खुशी से आप सबकी बात मान ली है। और अब वॉशरूम क्लीन करने के बाद मैं जा रही हूँ शावर लेने, टाइम हो गया 10:47। डेली ज़्यादा कोई मेकअप मैं नहीं करती हूँ, सिंपल सनस्क्रीन लगाती हूँ फेस पे और मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल मैं ज़्यादा करती हूँ। तो फर्स्ट ब्रेक लेने से पहले ये मेरा लास्ट काम है, लंच बनाऊंगी उसके बाद मैं लॉन्ग ब्रेक लूंगी, तो टाइम भी देख लेते हैं। अभी घड़ी में टाइम हो गया है 11:16 और हॉल की घड़ी आप चेक कर सकते हैं, उसमें टाइम हो गया है 11:27। अगर आपकी किचन में 4 बर्नर स्टोव है तो बहुत फ़ायदा होता है। जैसा आप देख सकते हैं कि एक बर्नर पे मैंने तड़का रखा है राजमा के लिए, दूसरे बर्नर पे चावल बन रहे हैं, तीसरे पे तवा चढ़ाया है, 4-5 चपातियाँ भी बनाऊँगी, और फोर्थ बर्नर पर आप देख सकते हैं मिल्क रखा है मैंने। हस्बैंड मेरे चाय नहीं पीते हैं शाम को ऑफिस में, तो उनको दूध बना के देती हूँ इलायची पाउडर डाल के और साथ ही जैगरी पाउडर डाल के, तो ये बहुत यम्मी बनता है। थोड़ी देर इसको बॉयल होने दूंगी अच्छे से, इसका टेस्ट फिर बहुत यम्मी आता है। तो मेरे लंच बनाते बनाते हस्बैंड शार लेके नीचे आ जाएंगे और बस लंच करेंगे, वो ऑफ़िस चले जाएंगे। थोड़ा ऑफ़िस लेट जाते हैं, मतलब लंच करके ही जाते हैं, आधा काम वो अपना ऑफ़िस का यहीं पे करते रहते हैं सुबह से। तो अगर आप चीज़ों को प्लान करके चलते हैं और अपने काम को एक टारगेट बना के चलते हैं तो हर काम टाइमली ख़त्म हो जाता है। आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मैं पूरा काम ख़त्म करने के बाद ही एक लॉन्ग ब्रेक लेना पसंद करती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि 12 बजे से पहले पहले मेरा पूरा काम ख़त्म हो चुका है। 12:30 बजे के अराउंड हस्बैंड लंच करके ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद मैं टोटली फ्री होती हूँ, तो बस एक फ्रूट लेके मैं अपने बेडरूम में आ जाती हूँ। फिर यहाँ आके मैं जो चाहे करूँ, अपनी बुक रीडिंग करूँ, कोई मूवी देखूँ, यूट्यूब का कोई काम करूँ, या नैप लेना चाहूँ तो नैप ले सकती हूँ। 1:30 बजे एक बार नीचे जाती हूँ लंच करने के लिए और बस फिर ऊपर आ जाती हूँ। 3 बजे के बाद बेटा आता है, उसके साथ 10-15 मिनट बात करती हूँ, फिर वो अपना लंच करता है और फिर उसके बाद मैं फ्री हूँ। तो ये था मेरा टाइम मैनेजमेंट जिसमें मेरी फिटनेस रूटीन भी आती है और मेरे हाउस वर्क भी शामिल हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।